नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के अंदर आई लेटेस्ट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये गाइस आपका होने वाला है रिमोट कंपनी के अंदर। अब दोस्तों, जैसा कि नाम से ही है क्लियरली मेंशन है गाइस, ये एक रिमोट कंपनी और दोस्तों ये लोग रिमोट जॉब प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, रिमोट कंपनी के बारे में बात करें एग्जैक्टली क्या इनका सर्विस प्रोडक्ट है। सो गाइस, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि दोस्तों जितने भी टॉप क्लास एमएनसी कंपनी है उनको ये पेरोल की, उनको ये बेसिकली एम्प्लॉयज का जो भी पेरोल का सिस्टम है या जो भी उनके बेनिफिट वगैरह है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने में ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी एक रिमोट कंपनी होने वाली है और यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल मिला दोस्तों, ये भी कंप्लीटली नो सेल्स टारगेट का। यहाँ पे दोस्तों बस आपको उनके पेरोल को ही जारी करने में, उनको उसको इशू करने में आपको यहाँ पे सपोर्ट करना, यही दोस्तों आपका मेजर यहाँ पे काम होने वाला है। और दोस्तों, कंपनी बहुत टॉप क्लास है और बेस्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर हम इनके कंपनी के अंदर पॉक और बेनिफिट की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, अनलिमिटेड पर्सनल टाइम ऑफ मिल रहा है आपको, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है कंपनी का, आपको स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है अदर कंट्री में, बहुत सारे अलग अलग कंट्री का अलग अलग बेनिफिट मिलने वाले हैं यहाँ पे, पेड पैरेंटल लीव है, लर्निंग का बजट है। बेस्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पे आपको होम ऑफिस का सेटअप मिलने वाला है, मतलब आपके लिए पर्सनल लैपटॉप रहेगा, वाईफाई का राउटर रहेगा और जो भी उसका खर्चा आएगा वो सब कंपनी आपको बियर करेगी। को वर्किंग का भी आपको अलाउंस मिल रहा है, मतलब अगर आप घर बैठ के काम करके बोर हो चुके हैं तो आपके नियर बाई जो भी को वर्किंग स्पेसेस है, जैसे कि वीवर्क हो गया, इनोवेट हो गया, ऐसे जगह पर जाकर के आप बैठ करके मस्त काम कर सकते हैं लैपटॉप लेकर के। मेंटल हेल्थ का सपोर्ट मिल रहा है और ब्रांडेड आपको स्वैग मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, तो बहुत सारे आपको स्वैग्स भी यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइस, ओपनिंग बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है, कुछ देर पहले ही है। और दोस्तों यहाँ पे आप फ्रेशर है, पहले काम बिल्कुल नहीं कर अप्लाई कर सकते हैं और पूरे भारत में आप किसी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, डिटेल में यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ के अप्लाई करना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम रिमोट जॉब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम आपके लिए बस रिमोट जॉब लाते हैं और कुछ नहीं लाते हैं, ये चैनल बस वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन दबा देना। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं बेसिकली इनके जॉब के ओपनिंग पे आ चुका हूँ। गाइस, ये ओपनिंग आपके होने वाले रिमोट कंपनी के अंदर और दोस्तों ये इंडिया रिमोट जॉब है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको जो ये लोग प्रोफाइल दे रहे हैं, ये आपको होने वाला है पेरोल क्लाइंट सर्विसेज स्पेशलिस्ट के अंदर दोस्तों, जहाँ पे आप एपैक मतलब कि एशिया पैसिफिक के अंदर आप यहाँ पे काम करने वाले, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने सैलरी पैकेज तो कुछ मेंशन नहीं करा है, पर गाइस कंपनी बहुत टॉप क्लास है, यहाँ पे आपको सैलरी पैकेज भी बहुत टॉप क्लास मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि रिमोट कॉम्पनसेशन फिलॉसफी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिमोट टोटल रिवॉर्ड फिलॉसफी इज टू इंश्योर फेवर अनबायस कॉम्पनसेशन एंड फेयर इक्विटी पे अलॉन्ग विद कॉम्पिटेटिव बेनिफिट इन ऑल लोकेशन इन विच वी ऑपरेट। तो गाइस देखो, यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है ये आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आप मिनिमम मान के चलो 5-6 लाख का तो आपको यहाँ पे पैकेज आराम से मिल जाएगा, मतलब 4-5 से नीचे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पैकेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे ये सारे आपको पॉकेट बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सारे दोस्तों आपको बेनिफिट यहाँ मिलेंगे। गाइस देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जॉब रोल क्या, क्या काम करना पड़ेगा, दोस्तों यहाँ पे देख सकते क्या बोल रहे हैं कि एक्ट एज अ प्राइमरी कॉन्टेक्ट ऑफ फॉर ऑल क्वेश्चन और इशू रिलेटेड टू एम्प्लॉय पेरोल रन। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो भी क्लाइंट है, जो भी कंपनी की क्लाइंट्स है आपके, उनके जो भी कंसर्न आ रहे, इशू आ रहे पेरोल को लेकर के, वो सारा सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप रहने वाले हैं। प्रोवाइड कंपनीज एंड एम्प्लॉयज सपोर्ट ऑन ऑल पेरोल रिलेटेड क्वेश्चन एंड एड्रेस देयर पोटेंशियल क्वेश्चन। अगेन दोस्तों, सेम क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला, सेम चीज़ है। कोलाबरेट क्लोजली विद कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस पेरोल ऑपरेशंस बेनिफिट टैक्स एंड फिनांस टीम टू प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास सपोर्ट टू आर क्लाइंट्स एंड इंश्योर आंसर आर प्रोवाइडेड विद द स्ट्रिक्ट SLA। तो यहाँ पे दोस्तों अगेन आप जो भी कस्टमर सपोर्ट की टीम है, जो भी पेरोल ऑपरेशन की टीम है, जो भी बेनिफिट की टैक्स की टीम है, उनके साथ आप कोलैबोरेटिव हुए काम कर रहे हैं और वहाँ से जो भी फीडबैक आ रहा, जो भी वहाँ से चीज़ें निकल के आ रही है, उस पर भी आपको काम करना है और वहाँ से भी आपको एक एक्शन लेना है, ये भी काम आपका होने वाला है। मैनेज एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद पेरोल अकाउंटिंग एंड बेनिफिट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो भी दोस्तों इनके क्लाइंट वगैरह, जो भी इनके वेंडर्स वगैरह, जो भी इनके प्रोवाइडर है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड कर रहे हैं। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अप टू डेट नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन एंड FAQ ऑन पेरोल। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी
डिटेल वो आप बैक टू बैक मेंटेन कर रहे हैं, सब सारी चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ये भी आपके काम का पार्ट होने वाला है। गाइस देखो यहाँ पे हम बात करें क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड, क्या बोल रहे हैं, पेरोल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एडवांस नॉलेज इन वन और मोर कंट्री इज अ प्लस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पेरोल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, अगर आपने काम करा है एचआर वगैरह में तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज ऑफ पेरोल बेस्ट प्रैक्टिसेस बेसिक नॉलेज हो, एक्सपीरियंस इन अ कस्टमर फेसिंग रोल, तो आपको बेसिक एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। ये सारा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, फास्ट पेस पे आप काम कर पा रहे और आप इंग्लिश में बोल भी पा रहे अच्छे से और लिख भी पा रहे, तो ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को अपने, टीम आपकी जो होगी पेरोल और बेनिफिट क्लाइंट सर्विसेज की होने वाली, लोकेशन क्या है, एनी वे इन द वर्ल्ड, स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पे ज्वाइनिंग चाहिए। सो गाइस ये सब डिटेल है यहाँ पे देखो, और इसके बाद आप नीचे और गो थ्रू कर सकते हैं। बट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छे से कैसे आपको अप्लाई करना है। सो गाइस अप्लाई करने के लिए एक तो आप अप्लाई करेंगे इस पेज पे लैंड करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है और नीचे आपको इस फॉर्म को बहुत ही स्मार्टली अच्छे से आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं, लास्ट नेम पूछ रहे हैं, आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, तो ये सारे जो भी डिटेल है ये सब दोस्तों आप एक्यूरेट प्रोवाइड करें इसका आपको ध्यान देना है। रिज्यूमे आपको अटैच करना है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स से, गूगल जो भी आपके पास वो कर सकते हैं। कवर लेटर का अटैच करना, जहाँ से आप बना रहे हैं रिज्यूमे वहीं से आप कवर लेटर बना सकते हैं। दोस्तों आजकल में डिटेल एक वीडियो आएगा कैसे आप रिज्यूमे और कवर लेटर बना सकते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस नेम, लेट अस नो हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है उसको डाल सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे नाम पवन मेरा तो पवन लिखूंगा मैं यहाँ पे। प्लीज सिलेक्ट योर प्रोनाउंस फॉर अदर टू यूज व्हेन रेफरिंग यू, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी आपका जेंडर वो डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला, लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे, कोई एक्सपीरियंस तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यस नो ऐप पैक के अंदर कस्टमर फेसिंग है तो वो यस नो कर सकते हैं। व्हाट इज योर मोटिवेशन टू ज्वाइन रिमोट, तो यहाँ पे दोस्तों रिमोट के बारे में आपको डिटेल रिसर्च करना है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पे टाइम लगेगा बट आपको थोड़ा टाइम लगाना है यहाँ पे। व्हाट आर टू रिमोट वैल्यू दैट यू आर द मोस्ट इंथुसिएस्ट अबाउट एंड वाई, तो यहाँ पे दो रिमोट क्या क्या वैल्यूज है, तो आपको रिमोट की अच्छी वैल्यू समझनी है कि क्या बेस्ट ये लोग प्रोवाइड करते, तो अच्छे से डिटेल समझ करके आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव आंसर देना है। डू यू हैव नॉन कॉम्पीट इन प्लेस विद योर प्रीवियस और करेंट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने पहले काम करा तो वो यस नो कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या बोला, रिमोट इज एक्सक्लूसिव ऑफ एवरीवन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अस टू क्रिएट एन एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव इंटरव्यू एक्सपीरियंस, प्लीज लेट अस नो। सो गाइस देखो ये बेसिकली जो इनका लिंक है, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ आंसर कर सकते हैं। इस बात क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। और गाइस देखो इसके बाद जैसे ये अप्लाई करेंगे सेकेंड आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी मिल रही है, यहाँ पे नीचे आएंगे देखें क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस, ये तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू ऐसे होगा। इसके बाद प्लीज फिल आउट द फॉर्म बिलो एंड अपडेट अपलोड योर सीवी, तो यहाँ पहले आपको ये फॉर्म भर लेना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वी काइंडली आस्क यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन एंड सीवी इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सीवी जो इंग्लिश में आपको करना है, एज दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज वी यूज हियर। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे सी हाउ टू कन्वर्ट योर सीवी, तो यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम जो है वो पीडीएफ में अपलोड करना है। कैसे पीडीएफ में चेंज करना, दोस्तों नॉर्मल है, गूगल पे जाकर के आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपका वर्ड है तो वर्ड टू पीडीएफ कर सकते हैं। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ यू डोंट हैव अ सीवी, तो गाइस देखो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिली, यहाँ पे भी आप अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे भी आप अपना रिज्यूम मेल कर देना। मतलब एक तो आपको अप्लाई करना है इनकी यहाँ से पेज से और सेकेंड आप इस ईमेल आईडी मेल कर देना, और अगर आपका लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप इस ईमेल आईडी पे फॉलो अप भी कर लेना ताकि आपको जो रिस्पॉन्स आने चांसेस जो बढ़ जाए यहाँ पे। सो गाइस ये प्रॉपर प्रोसेस आपको फॉलो करना ताकि आपको रिस्पॉन्स जो 100% आए और जो रिज्यूम आपका थोड़ा सा चेंजेस वगैरह कर देना उसके अंदर, जिससे थोड़ा सा अपडेटेड रहो और जो भी स्किल वगैरह रिक्वायर्ड है वो मेंशन कर देना वहाँ पे, तभी यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आ पाएगा। सो गाइस ये तो ओपनिंग, आशा करता हूँ कि मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया होगा। स्टिल कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स है पूछ सकते हैं। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और नए ओपनिंग से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।